अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक्निकल एंड ग्राफिक्स। दोस्तों, इस वीडियो का जो कंटेंट है वो हमारा मोटो E4 प्लस के वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के बारे में है कि आप अपने मोटो E4 प्लस मोबाइल का वॉल्यूम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। कंपनी की तरफ से जो हमारा वॉल्यूम आता है वो हमारा थोड़ा लो आता है, तो हम इसको कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इस कॉल वाले आइकन पे क्लिक, यहाँ पर हमें एक कोड लिखना है, *#*#3 *#*##*#। उसके बाद वापसी स्टार लिखेंगे तो आपको ये इंजन मोड के इस इंटरफेस पर ले जाएगा। उसके बाद हमें आगे की तरफ स्वाइप करना है, टेलीफोनी से कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी से हार्डवेयर टेस्टिंग। जैसे ही हम हार्डवेयर टेस्टिंग पे आएंगे तो यहाँ पे कुछ फंक्शंस नज़र आ रहे हैं आपको, ऑडियो, नॉन स्लिन मोड, सेंसर, सेंसर हब टेस्ट, वीडियो। तो हमें सबसे पहले वाला जो फंक्शन है ऑडियो, इस पर क्लिक करना है। ऑडियो पर क्लिक करने के बाद हमें सिंपली नॉर्मल मोड पे जाना है। नॉर्मल मोड के बाद यहाँ पर SIP के बारे में ये एरो का निशान है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे मीडिया लिखा हुआ है, मीडिया पर क्लिक करना है। मीडिया के बाद यहाँ पर Level 1 पर क्लिक करना है और यहाँ से हमें ये जो 0 से 160 लिखा हुआ है ये 160 पे सेट कर लेंगे इसको। उसके बाद Level 1 के बाद नीचे करेंगे Level 14 आ जाएगा, तो यहाँ पे 255 पे सेट कर लेंगे। हमने नॉर्मल मोड का मीडिया सेट कर लिया है। अब लाउड स्पीकर मोड पे जाना है, यहाँ पे हमें अपनी रिंग का वॉल्यूम बढ़ाना है, तो रिंग में भी यही करेंगे Level 1 और यहाँ पे 160 सेट। फिर से लेवल आखिरी पे चलेंगे Level 14, यहाँ पे 255 ये सेट कर लिया मैंने। अब रिंग के बाद जो हमें ये काम करना है, इसके बाद मीडिया पे चले आना है, सबसे आखिरी में मीडिया दिख रहा है आपको। जैसे ही मीडिया पे जाएंगे यहाँ पर भी Level 1 पे क्लिक करेंगे, ये 160 मेरा पहले से सेट है। इसके बाद Level 1 के बाद Level 14, 150 को हटा के 255 कर देंगे, ये सेट हो गया दोनों। यहाँ से हमने रिंग और मीडिया सेट किया है लाउड स्पीकर मोड से, और यहाँ नॉर्मल मोड से हमने मीडिया सेट किया है। आई होप आप लोग को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।